और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव के दौरान एक बार फिर से भगवान हनुमान को लेकर घमासान मच रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये बयानों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। कल मतदान के समय अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर आशीर्वाद लेने पहले पहुंचे थे वो, लेकिन मनोज तिवारी ने उनके मंदिर जाने पर सवाल खड़े किए हैं और इसी बात को लेकर ट्वीट किया है, पूजा करने गए थे या हनुमान जी को अशुद्ध करने। हालांकि इस पर जवाब भी दे दिया फौरन मुख्यमंत्री ने, उनका ये कहना है कि आखिर मेरे जाने से कैसे भगवान अशुद्ध हो गए, बीजेपी इसका जवाब दे। और ये देखिए सिलसिलेवार जो ट्वीट किया मनोज तिवारी ने, वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि जूते पहने थे, हाथ उन्होंने धोए नहीं, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं अपने इस ट्वीट में। और केजरीवाल इस पर जवाब दे रहे हैं कि आखिर मेरे जाने से मंदिर कैसे अशुद्ध हो गया। ये दो तस्वीरें अहम इसलिए हैं क्योंकि चाहे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हो या फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल, आप दोनों को देख रहे हैं, वोट कर डालने से पहले दोनों भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। लेकिन अब यहां पर एक बार फिर भगवान केंद्र में और बयानों की सियासत शुरू। एक दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री को इतनी अछूत भावना से देखती है बीजेपी कि उन्होंने मंदिर में जाके बजरंगबली की पूजा कर ली तो बजरंगबली अशुद्ध हो गए, उनको धोना पड़ा, ऐसा मनोज तिवारी जी कह रहे हैं। मुझे तो लगता है इससे ज्यादा गिरा हुआ, इससे ज्यादा घटिया कोई बयान हो नहीं सकता। अब बीजेपी पर उल्टा पलटवार कर रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने जो सवाल उठाए वो देखिए। हम मजाक उड़ा है कि वो उन्होंने कैसा, जिस हाथ से जूता उतार रहे हो उसी हाथ से माला पहनाओगे, एक बार हाथ में नहीं धो सकते, इतना गंदा आदमी, इतना मतलब आपके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं है, जूता उतारने वाले हाथ से तुम हनुमान जी को माला चढ़ाओगे, छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए। चुनाव में भी लगातार आप लोग भी मुद्दे उठाते रहे कि शाहीन बाग या फिर शांति बाग, क्या लगता है 11 तारीख को क्या होगा? शांति बाग, दिल्ली को शांति चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए ना, हमने अपने बच्चे को बस में बिठा दिया तो बस जलनी नहीं चाहिए, पानी गंदा, हवा गंदी, जमुना गंदा, और सब कुछ करके अब तुम जूता वाले हाथ से माला पहनाओगे भगवान को हमारे, ओ आओ 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 बात करते हैं, बात करेंगे। तो ये जो अब हनुमान जी को लेकर बयानबाजी शुरू हुई वो आपने सुनी, एक तरफ मनोज तिवारी ने सवाल उठाए तो जवाब संजय सिंह भी दे रहे थे। हमारे साथ इस वक्त आशुतोष मिश्रा।